भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अरे आपका पूरा एकदम घेरा हुआ पहाड़ से एकदम तर रहे हैं, सारा बोर्डिंग करना हो गया लोगों का। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है एकदम। ये वाला आपका पूरा हिमालय है, ये वाला हिमालय है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज 24 अक्टूबर 2022 है, अभी 3 बज चुका है। अब मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, मेरा आज का आउटफिट है। मैं अभी हूँ पोखरा में, जो कि मैं काठमांडू में आ चुका हूँ। इसका अलग से सेपरेट वीडियो मैंने दे दिया काठमांडू टू पोखरा के लिए। मैं पोखरा पहुंच चुका हूँ। जो मैं आपको घुमाने वाला यहाँ का फेवा लेक, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा जगह है ये पोखरा। मेरे को स्पेशली बहुत पसंद है ये जगह। मैं इस जगह में आ चुका हूँ, मैं घूमूंगा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। साथ में आपको भी घुमाऊंगा और ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो चलता हूँ सीधा फेवा लेक में, मैं आपको मिलता हूँ। मीट टू माई फ्रेंड फ्रॉम चाइना। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? व्हाट इज योर नेम? सोम। सोम? या माय ब्रदर नेम सोम। फायर टू बी माई नेम इज जावेद अख्तर। भाई मैं होटल से निकल चुका हूँ, अभी रोड पे ही हूँ। अब मेरे रूम में किसी बंदी को डाल दिया भाई, फ्रांस की है कोई, तो उनसे बात की। हम कह रहे हैं फ्रांस से हैं, पता नहीं। हाँ भाई ब्लॉग है, जावेद अख्तर ब्लॉग्स। वो भाई ज़्यादा नहीं, वो उनके प्लस है। इंडिया झारखंड भाई, नेपाल से प्यार मिलेगा तुमको। बिल्कुल सही, कीप गोइंग। ओके थैंक यू भाई, ऐसे बहुत कर रहा, सारा प्यार मिला मेरे को काठमांडू। मैं बस यहीं पोखरा घूमना है भाई। मेरा जो होटल का लोकेशन, ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है ये। मतलब ये फेवा लेक जो मेरा नज़दीक ही है, यहाँ से ये लेक साइड है मेरा होटल है। और यहाँ पे सारा फॉरेनर से भरा हुआ है, पूरा टोटली फॉरेनर है यहाँ पे। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच चुका फेवा लेक पे। जो मेरे हॉस्टल है, इस लोकेशन से मेरे को 100 मीटर हार्डली लगा वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैं पहुँच चुका, मेरे पीछे फेवा लेक है, तो बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन से जगह है। मेरा दिल खुश हो जा रहा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मेरे पास वर्ड नहीं कहने के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को मतलब मज़ा आ रहा है। अभी तो टाइम हो रही है 3:35 टाइम हो रहा है मेरे को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारा चीज़ फेवा लेक में, घुमाऊंगा आपको यहाँ पे। मैं अभी किसी कैफे में बैठा हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा सा चाय साय पीऊँगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आएगा आपको। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि सब कंटेंट आपको मिलते रहेगा हर रोज़। मतलब पोखरा न्यू सीरीज में स्टार्ट हुए, पार्ट वन है, और काठमांडू का सारा मेरा ब्लॉग पार्ट 1 पार्ट 2 करके आया है। जो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। जो मेरा चैनल है ज़्यादातर ब्लॉग, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा काठमांडू ब्लॉग करके आएगा आपका। इसमें आप चले जाना सारा पार्ट 1 पार्ट 2 करके, पार्ट 19 तक इसमें वीडियो बना हुआ है। गाइस मैं इस कैफे में बैठा हुआ हूँ, जो कि फॉरनर के लिए स्पेशली कैफे है, जो बहुत ही प्यारा बेहतरीन से कैफे है ये। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सारा चीज़, आप बने रहना चैनल पर, जो आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पे। ये आपका बार है, इस सामने आपका जो लेक है, जो कि मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा मैं। तो भाई मैं आपको दिखाने वाला हूं आपको फेवा लेक, जो कि बहुत ही प्यारा सा है, मेरे सामने है। अपना दिल को थाम के बैठिए आप, जो कि बहुत अच्छा नज़ारा आने वाला है, मज़ा आने वाला है भाई, मैं दिखाता हूं आपको। ये है गेट, इसका मेन गेट, हार्डली वेलकम टू फेवा लेक। ये साइड एरिया है, थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको ताकि समझ पाओ आप। तो भाई साहब ये है पोखरा का जो फेवा लेक है, सबसे फेमस। ये जो अब दिख रहा है कितना प्यारा सा लग रहा है भाई, बोटिंग चल रहे हैं यहाँ पे। अब देख रहे हो ये जो पूरा का पूरा ये आपका पहाड़ से घेरा हुआ है पूरा टोटल। अब देख पा रहे हो सनलाइट की जो फोकस मेरे लेंस में पड़ रही है, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आ रहा ठीक से। इसी फेवा लेक को बैदाम नाम से भी जाना जाता है। मैं बता दूँ ये साउथ ऑफ वैली में पड़ता है। तो भाई ये जो फेवा लेक है ये कास्की कोट और सारन कोट के अंदर ही आता है, इसका पार्ट है ये एक। और इसकी एलिवेशन जो है सरफेस एलिवेशन वो 742 मीटर की है। सरफेस एलिवेशन आपको पता नहीं है, मैं बता दूँ जो सतह की जो ऊंचाई है इसका, इसे कहते हैं सरफेस एलिवेशन। भाई ये जो फेवा लेक है इसका जो एरिया है, एरिया में आपको बता दूँ 4.43 किलोमीटर में फैला हुआ है ये लेक। और इस लेक की जो लंबाई 4 किलोमीटर है, जो चौड़ाई है 9 किलोमीटर है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा एरिया में फैली हुई है ये लेक। भाई मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, जो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत ही प्यारा सा व्यू है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। भाई यहाँ से हिमालय पहाड़ दिखता है, अभी तो मतलब बादल के कारण ढक रखा है इसको, पूरा दिखता है यहाँ से। थोड़ा सा मैं जूम करूँगा यहाँ पे। भाई जिस रोड से मैं वॉकिंग करते हुए चल रहा हूँ और उस किनारे में चलते चलते मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सामने का व्यू दिखाऊंगा कैसा है नज़ारा। नज़ारा कुछ भाई ऐसा है, थोड़ा साइड सीन देख लो आप कैसा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा।
भाई मैं चलते चलते आप बोट पार्क के पास आ गया हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं, फिर पूछता कितना चार्जेस, कितना किराया लग रहा है, कितना मतलब फेयर है इसका, फिर मैं आपको बताऊँगा, तब आप मतलब जान सकते हो, घर बैठे आना रहेगा तब समझ सकते हो कितना क्या मतलब लग रहा है यहाँ पे चार्जेस। भाई साहब यहाँ से क्या व्यू नज़र आ रहा है यार, गजब एक नंबर भाई, मज़ा लग रहा है देख के, मज़ा आ रहा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देखो सिर्फ आप इंजॉय करो देख भाई, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, कितना अच्छा लग रहा है ये सारा बोट रखा हुआ है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, स्काई देखो आप कितना प्यारा लग रहा है, क्लीन एकदम, अरे आपका पूरा एकदम घेरा हुआ पहाड़ से एकदम पूरा, आप पूरा राउंड अप कर सकते हो पूरा, मतलब चेक मतलब यहाँ आप ले सकते हो, किराए में बताऊंगा आपको कितना लग रहा है, फिर बैठ के पूरा घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको, कितना अच्छा मेरे को तो सबसे बेस्ट जो मेरे को लग रहा है यहाँ पे, मतलब अब तक का मतलब मैंने देखा है बोटिंग जहाँ भी होता है, पर ये सबसे बेस्ट मेरे को लगा भाई। भाई ऐसे देखो लोग मतलब उतर रहे हैं, सारा बोटिंग करना हो गया लोगों का, बोटिंग करके अपना उतर रहे हैं लोग, ये कितना कलरफुल लग रहा है भाई नाव से देखो, जैसे फिल्म में देखते हो ना ऐसे सेम टू सेम लग रहा है भाई, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम लाल हरा ब्लू कलरफुल टोटल। भाई जो इसका फियर है मैंने पूछा आप लोगों के लिए, इसका जो फियर है वो पूरा राउंड अप करके मारते हो राउंड घूमते हो इधर तो 860 रुपये आपको लगेगा एक घंटा के लिए, सिर्फ 860 रुपये आपको पे करना पड़ेगा नेपाली रुपये, तब जाके घूम सकते हो। और एक सामने एक मंदिर है जिसका आपका आना जाने का जो किराया है वो 115 रुपये लगेगा, जो कि चार्जेस मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लोगों का भीड़ यहाँ पे है मतलब चढ़ने के लिए मंदिर उन्दिर जाने के लिए, जहाँ से लोग चढ़ रहे हैं मैं जाकर दिखाता हूँ आपको। मैं आपको और थोड़ा व्यू दिखाऊंगा यहाँ का, थोड़ा जूम करके बताऊंगा मैं, और यहाँ पे लोग जो अपना सवारी कर रहे हैं ये थोड़ा दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ लोग तैयार हैं जाने के लिए, इसमें करीब 6-7 आदमी बैठाया जाता है और एक आदमी जाता है यहाँ का जो एक्सपर्ट है वो लोग अपना करवाता है लोग। लोग भाई जा रहे हैं इसमें, चल रहे हैं लोग इसमें जाने के लिए, लोग टिकट कटा के रेडी हैं जाने के लिए, सब रेडी अपना जा रहे हैं। लोग ये भाई ये बोट में चढ़ के जा रहे हैं लोग, भाई देखो कैसे जा रहा है देखो भाई, मैं आपको यहाँ का सनसेट दिखाता हूँ कितना प्यारा लगेगा देखना आप। भाई ये सनसेट हो चुका है, अब सनसेट का व्यू देखो ऐसा है कुछ, बहुत ही प्यारा नजारा है भाई। भाई मैं ये अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कैसा सीन है यहाँ का, ये है ऊपर का कुछ नज़ारा, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं यहाँ का थोड़ा व्यू कैसा है नज़ारा। भाई ये है मेरा सामने का व्यू है कुछ ऐसा है यहाँ पे सीन, रिटर्न तो मेरे को एक व्यू दिखा अच्छा सा जो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, और ये आपका माउंटेन है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। भाई फॉरनर देखो, ये थोड़ा सा हिमालय दिखा मेरे को अच्छे से, जूम कर दिया मैंने, ये देख लो भाई, भाई ये वाला हिमालय, ये वाला हिमालय है, गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप को ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, पार्ट वन है पार्ट टू में मिलता हूँ, तब तक लिए टेक केयर।